अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चटपटे चने। उसके लिए हमने यहाँ पर चनों को रात भर पानी में भिगो कर रख लिया था। इसके इंग्रेडिएंट, एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको हमने इस तरह से बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, कोथमीर, एक बड़े साइज़ का नींबू, 8 से 10 कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर 1 चाय का स्पून, नमक 2 स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून, लाल मिर्ची 1 स्पून, चाट मसाला 1/2 स्पून, काली मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, तेल 1 कटोरी। हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे फ्रेंड्स। कुकर में हम डालेंगे चने जिसको हमने भिगो लिया था। फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे 1/2 जग पानी। हम लीड लगाकर इसे 6 से 7 सीटी होने देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने इसे रात भर भिगो कर रखा है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुकर खोल लिया है। 6 से 7 सीटी हमने यहाँ पर दे ली है। तो देखें फ्रेंड्स, ये 7 सीटी देने के बाद में कितना अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें का हम जो पानी है वो पानी में से हम चने निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने चनों को पानी में से निकाल लिया है अच्छे से। हमें इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रखना है। तब हम इसे तड़का लगाएंगे, बघार लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिए हैं। हम इसमें डालेंगे तेल, ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, ब्राउन करना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्के से भून लेना है इसे। मैंने यहाँ पर फ्लेम को लो कर दिया है। फ्रेंड्स, हमें प्याज को इतना ही भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हम इसे भूनेंगे ताकि जो इसकी कच्ची स्मेल होती है ना वो चले जाए। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक और मिर्ची। और थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। हमें इसे अच्छे से भूनना है। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची, जीरा पाउडर और चाट मसाला। इसे भी हम अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले का कलर कितना अच्छे से लग रहा है। तो ये मसाले भुने गए हैं फ्रेंड्स। हम इसमें डाल देंगे चना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चने को अच्छे से डाल दिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चने कितने अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, अब हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। नींबू का हमने कट करके इसमें से सारे बीज निकाल लिए हैं।
पूरा एक नींबू हमें इसे डालना है। फ्रेंड्स अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम फ्लेम को हाई कर देते हैं। हम इसे एक मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चटपटे चने बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स चटपटे चने बनकर तैयार है। बनने के बाद में इस तरह से दिख रहे हैं ये चने। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय, अल्लाह हाफिज़।